आप लोग स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों ने इनकी बहुत सारी मूवियाँ देखी भी होंगी और आप में से कई लोग इनके प्रशंसक भी होंगे, इन्हें पसंद भी करते होंगे, कई लोग इन्हें नापसंद भी करते होंगे, आलोचक भी होंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो दुनिया में उसके प्रशंसक भी होते हैं और उसके आलोचक भी होते हैं। लेकिन इनकी स्टोरी एक मुझे लगता है कि बहुत अलग टाइप की है और हम में से सभी लोग लगभग इनकी स्टोरी, इनकी जो भी लाइफ जो भी रही है उसे जानने की दिलचस्पी रखते हैं। इनका जो शुरुआती जीवन हो या इनकी फिल्मी दुनिया हो या फिर आप देखिए इनकी पर्सनल लाइफ हो या इनसे जुड़े कई विवाद भी हैं तो उन पर भी हम लोग बात करेंगे। इन्हें कई पुरस्कार भी दिए गए हैं, उन पर भी हम लोग एक एक करके बात करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहे हैं सलमान खान, और मेरा ऐसा मानना है, मुझे लगता भी है कि आप में से कई लोगों को इनका पूरा नाम मालूम भी नहीं होगा। तो इनका पूरा नाम है अब्दुल अबू अब्दुल रसीद सलीम सलमान खान। क्या है? अब्दुल रसीद सलीम सलमान खान। वैसे आप देखिए इनका पॉपुलर नाम सलमान खान ही है, और इनके उपनाम की बात करें यानी कि अन्य नामों से इन्हें भी पुकारा जाता है, सल्लू, बॉलीवुड के टाइगर और दबंग के नाम से भी इन्हें आप लोग जानते हैं। अगर हम लोग इनके जन्म तिथि की बात करें तो आपको बता दूं कि 27 दिसंबर 1965 को इनका जन्म होता है। कहाँ जन्म होता है? तो मध्य प्रदेश का एक इंदौर शहर है, और आप सभी जानते हैं कि इंदौर काफी स्वच्छता के मामले में काफी अच्छा शहर माना जाता है, टॉप पर बना हुआ देश में। तो इंदौर में इनका जन्म होता है, और धर्म की बात करें तो इस्लाम से हैं। आप में से कई लोगों की शिकायत भी रहती है कि हम धर्म के बारे में बात क्यों करते हैं, जाति के बारे में क्यों बात करते हैं। देखिए, हमारे भारत का एक दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ किसी भी व्यक्ति के बारे में जब बात होने लगती है तो उसका धर्म और जाति पहले देखा जाता है। और मेरा ऐसा, देखिए, ये हकीकत भी हो सकती है कि आप में से जो नापसंद करने वाले होंगे, बहुत से लोग, और जो पसंद करने वाले होंगे उनकी नापसंद और पसंद इस इनके धर्म के कारण भी है। और इनके हम लोग ग्रह नगर की बात करें, अभी की बात करें तो ये मुंबई में रहते हैं, लेकिन बचपन के समय में वह इंदौर और ग्वालियर में भी रहे हैं, ग्वालियर से शुरुआती शिक्षा भी ली हुई है। अगर हम लोग इनके पिता की बात करें तो सलीम खान, इनके पिता का नाम आप लोग स्क्रीन पर इनकी फोटो भी देख रहे होंगे, ये हैं सलीम खान। और इनकी माता की बात करें तो सुशीला चरक, ये आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये सुशीला चरक हैं। और इनकी सौतेली माँ की बात करें तो एक्ट्रेस हेलन, आप लोगों ने इन्हें भी मूवियों में देखा होगा, तो ये आपको स्क्रीन पर हेलन देख रही होंगी, ठीक है। और इनकी अगर भाई की बात करें तो अरवाज और सोहेल, इनके भाई का नाम है, भाइयों का, ये अरवाज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सोहेल आपको दिखाई दे रहे हैं। इनकी बहनों की बात करें तो अलवीरा और अर्पिता इनकी बहनें हैं, तो अलवीरा को आप लोग देख लीजिए, ये अलवीरा हैं और ये आपको अर्पिता दिखाई दे रही हैं। और आप सभी जानते हैं कि अविवाहित हैं, इन्होंने शादी नहीं की हुई है, तो गर्लफ्रेंड आप लोग कुछ और भी जो भी आपको सोचना हो सोच सकते हैं, लेकिन लड़की फ्रेंड, लड़की दोस्त, तो इसमें आप देखिए संगीता बिजलानी अभिनेत्री इनकी गर्लफ्रेंड रही हैं, इन्हें भी आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पर, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे सौमी अली, ये भी अभिनेत्री रही हैं और ये भी इनसे जुड़ी रही हैं, आपको दिखाई भी दे रहा है स्क्रीन पर, ऐश्वर्या राय, और इनके कारण तो आप देखिए सलमान खान काफी विवादों में भी रहे हैं, ऐश्वर्या राय को भी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कैटरीना कैफ, और ये भी आप देखिए काफी सलमान खान से जुड़ी रही हैं, तो ये आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी कैटरीना कैफ। कुछ समय पहले इनकी शादी भी हुई थी, उस समय भी आपने देखा होगा काफी चर्चा में रही थी। और उसके बाद देखेंगे फारिया आलम, जो पूर्व मॉडल भी रही हैं, फुटबॉल एसोसिएशन की सचिव भी रही हैं, इसे इन्हें भी आप लोग स्क्रीन पर देखिए, आप लोग देखिए, ये आपको दिखाई भी दे रही होंगी। और उसके बाद आप देखेंगे लूलिया बंतूर, ये भी अभिनेत्री हैं, इन्हें भी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये अफेयर रहे हैं इनके, इनकी पर्सनल जिंदगी से जुड़े हुए कुछ लव लाइफ जो भी रहे हैं, बेटर रहे हैं। इतने आप कह सकते हैं कि लव इनका इतने लोगों से चला, इतनी लड़कियों से चलता रहा है, फाइनली कोई एक नहीं जो भी रहा हो। अगर हम लोग इनके सलमान खान के स्कूल की बात करें, शुरुआती शिक्षा की बात करें, तो सिंधिया स्कूल ग्वालियर, और मुझे लगता है कि सिंधिया स्कूल ग्वालियर काफी चर्चा में भी रहता है, काफी अच्छा स्कूल माना जाता है, तो सिंधिया स्कूल ग्वालियर से इनकी शुरुआती शिक्षा होती है। फिर ये सेंट
स्टेनिलॉस हाई स्कूल बांद्रा मुंबई से शिक्षा लेते हैं। उसके बाद महाविद्यालय की बात करें तो आप देखेंगे सेंट जेवियर्स महाविद्यालय मुंबई से शिक्षा लेते हैं। इनके शौक की बात करें तो आप सभी जानते हैं, आपके भी शौक होते हैं, कोई गेम खेलना, किसी का फेसबुक चलाना, किसी का व्हाट्सएप चलाना, इंस्टाग्राम चलाना। तो इनके शौक की बात करें तो तैराकी करना, चित्रकारी करना और लिखना इनका शौक है। और पसंदीदा अभिनेता की बात करें, आपके भी पसंदीदा अभिनेता होते हैं, तो पसंदीदा अभिनेता सिल्वेस्टर स्टेलोन इनके पसंदीदा अभिनेता है। और पसंदीदा अभिनेत्री यानी कि एक्ट्रेस की बात करें तो हेमा मालिनी इनकी पसंदीदा एक्ट्रेस है। पसंदीदा गायक में सुनिधि चौहान और सोनू निगम इनके काफी फेवरेट हैं। और पसंदीदा क्रिकेटर में बात करें तो हरभजन सिंह, युवराज सिंह और आशीष नेहरा इसके इनके पसंदीदा क्रिकेटर हैं। और पसंदीदा गीत की बात करें तो जब हम जवां होंगे सबीर कुमार द्वारा गाया गया एक गीत है। और पसंदीदा कारों की बात करें तो BMW, मर्सिडीज बेंज, टोयोटा लैंड क्रूजर इनकी पसंदीदा कारें हैं। और पसंदीदा पहनावा की बात करें तो जीन्स और टी शर्ट में आप हमेशा इन्हें देखते होंगे। पसंदीदा ब्रांड की बात करें तो जियो अरमानी और ग्यात्री वर्साचे इनके पसंदीदा ब्रांड है। और पसंदीदा फिल्म निर्देशक की बात करें तो सूरज वड़जात्या इनके पसंदीदा फिल्म निर्देशक रहे हैं। अब इनकी अगर हम लोग शुरुआती मूवियों की बात करें, डेब्यू मूवियों की बात करें, तो फिल्म सह अभिनेता के रूप में इन्होंने पहली मूवी की हुई थी बीवी हो तो ऐसी। और फिल्म निर्माता के रूप में बात करें तो इन्होंने बजरंगी भाईजान 2015 में की हुई थी। इनका टीवी मेजबान के रूप में बात करें तो 10 कदम और एक और टीवी शो है जो काफी चर्चा में भी रहता है और काफी चर्चा बटोरता भी है, बिग बॉस। बिग बॉस सीजन आप लोग देखते रहते ना, उसी की बात करें। कुछ और भी इनकी सलमान खान की मूवियां हैं आपके सामने, बीवी हो तो ऐसी, मैंने प्यार किया, बागी, सनम बेवफा, पत्थर के फूल, कुर्बान, लव, साजन, सूरबंसी, एक लड़का एक लड़की, जागृति, निश्चय, चंद्रमुखी, राजा राय, दिल तेरा आशिक, अंदाज अपना अपना, हम आपके हैं कौन, चांद का टुकड़ा, संग दिल सनम, करण अर्जुन, वीरगति, मझधार, खामोशी, जीत, दुश्मन दुनिया का, जुड़वा, औजार, दस दीवाना मस्ताना, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किसी से होता है, सर उठा के जियो, बंधन, कुछ कुछ होता है, जानम समझा करो, बीवी नंबर वन, सिर्फ तुम, हम दिल दे चुके सनम, हेलो ब्रदर, हम साथ साथ, दुल्हन हम ले जाएंगे, चल मेरे भाई, हर दिल जो प्यार करेगा, ढाई अक्षर प्रेम के, कहीं प्यार ना हो जाए, चोरी चोरी चुपके चुपके, तुमको ना भूल पाएंगे, समझ रहे हैं, और तुमको ना भूल पाएंगे। उसके बाद आप देखें तुम, हम तुम्हारे हैं सनम, ये है जलवा, लव एट टाइम्स स्क्वायर, तेरे नाम, बागबान, गरब, मुझसे शादी करोगे, फिर मिलेंगे, दिल से जिसे अपना कहा, मैंने प्यार क्यों किया, नो एंट्री, क्योंकि सावन, शादी करके फंस गए यार, जान ए मन, बाबुल, सलाम ए इश्क, पार्टनर मैरी गोल्डी गोल्ड, ओम शांति ओम, सांवरिया, गॉड गॉड टू सी ग्रेट हो, हेलो युवराज, हीरोज, मैं और मैसेज खन्ना, बांटेड, लंदन ड्रीम्स, वीर, दबंग, किक भी आप लोगों ने देखी होगी, और प्रेम रतन धन पायो, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, ट्यूबलाइट और टाइगर जिंदा है। और मुझे लगता है कि टाइगर जिंदा है इस डायलॉग को कई नेताओं ने, हमारे पॉलिटिशियन ने उपयोग किया कि भी ये टाइगर अभी जिंदा है। और मुझे लगता है कि आप इनके पसंद करते होंगे, इन्हें आपके फेवरेट एक्टर होंगे, पसंदीदा अभिनेता होंगे, तो आप लोग इनकी कोई मूवी मिस नहीं किए होंगे। अब बात आती है कि अगर आप लोग अच्छा काम करते हैं तो आपको पुरस्कार सम्मान मिलना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। तो सलमान खान को 1990 में उन्हें फिल्म मैंने प्यार किया के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1999 में उन्हें फिल्म कुछ कुछ होता में सह अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और इसमें अगर राजकीय पुरस्कारों की बात करें तो आप 2012 में उनकी फिल्म चिल्लर पार्टी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। फिर आप देखेंगे 2016 में उन्हें फिल्म बजरंगी भाईजान के लिए सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अन्य पुरस्कारों की बात करें तो आप देखेंगे 2008 में उन्हें फिल्म जगत में मनोरंजन के क्षेत्र में
उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राजीव गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और वर्ष 2013 में उनके एनजीओ बीइंग ह्यूमन को लायंस क्लब के द्वारा सम्मानित किया गया था। आपको बताया ना कि ये सामाजिक कार्य भी कई सामाजिक कार्य भी करते रहते हैं, इसको लेकर देश और विदेश में कई इन्हें एक तरह से इनकी प्रशंसा भी होती रहती है और इन्हें पुरस्कार भी मिलते रहते हैं। फिर आप देखेंगे 2014 में उन्हें द स्टार ऑफ द ईयर के रूप में टाइम सेलेविक्स खिताब से भी सम्मानित किया गया था। और साल 2016 में उन्हें फिल्म बजरंगी भाईजान में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा भी आप देखेंगे कई उन्हें पुरस्कार और सम्मान उपलब्धियां मिल चुकी हैं, और आगे कितनी मिलेंगी ये तो आने वाले वक्त में ही आप लोग देखोगे। अब आप देखते हैं कि कब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, और कोई भी व्यक्ति हो तो उससे विवाद जुड़ना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। तो इनसे भी कुछ विवाद जुड़े हुए हैं। एक काले हिरण को लेकर काफी विवाद इनसे जुड़ा रहा है, और इसमें इन्होंने कई परेशानियों का सामना भी उठाना पड़ा, आपने देखा भी था। तो शिकार के संदर्भ में 1999 में राजस्थान के जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान उनके सह कलाकारों पर काले हिरण चिंकारा एक दुर्लभ प्रजाति का शिकार करने का आरोप लगाया गया था। हिट एंड रन केस 2002 का भी काफी चर्चा में रहा था। सलमान ने रात में एक बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सोते हुए लोगों के ऊपर अपनी कार चढ़ा दी। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 3 लोग घायल हो गए थे। इसके कारण भी आप देखेंगे कि कई बार विवादों में रहे हैं, और इनकी तरफ से सफाई पेश करती रहे कि हम गाड़ी नहीं चला रहे थे, हमारे दोस्त जो भी रहा हो, ठीक है। फिर आप देखेंगे 2002 में वह ऐश्वर्या राय के साथ संबंधों के कारण काफी विवादों में रहे थे, जब ऐश्वर्या के माता पिता ने सलमान खान के खिलाफ ऐश्वर्या को उत्पीड़ित करने का आरोप लगाया था, और बाद में ऐश्वर्या ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा मैं सलमान से प्यार करती हूँ। तो इस कारण भी आपने देखा है काफी चर्चा में रहे हैं, उसके बाद ऐश्वर्या कहीं और वो चली गई। फिर आप देखेंगे 2008 में कैटरीना कैफ के जन्मदिन समारोह के दौरान सलमान और शाहरुख एक दूसरे से लड़ने लगे, जिससे सलमान को मीडिया में कड़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ा, और इसके कारण भी आप देखेंगे कई बार इनकी आलोचना या विवादों से घिरे रहे। फिर आप देखेंगे 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान को काले हिरण के शिकार के मामले में दोषी पाया गया था, और जोधपुर न्यायालय के मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की धारा 51 के तहत 5 साल की सजा सुनाई थी। वही न्यायालय द्वारा अन्य आरोपियों फिल्म हम के साथ साथ के सह कलाकारों सैफ अली खान, तब्बू नीलम और सोनाली बिंद्रे को संदेह का लाभ देते हुए बातचीत बरी कर दिया था। और आगे चल के आप देखेंगे सलमान को भी इसमें राहत मिल गई थी। तो ये कुछ विवाद भी जुड़े रहे हैं, और भी विवादों से आप लोग अगर इनके बारे में आप लोग बेहतर, मुझे लगता है कि जब आप किसी अभिनेता को पसंद करते हैं या अभिनेत्री को पसंद करते हैं या किसी और व्यक्ति को, तो उसके बारे में आप लोगों को A to Z सभी पॉइंट मालूम होते हैं, एक एक तथ्य उसके बारे में अपने पास रखते हो। फिलहाल हम लोग किसी की बायोग्राफी कवर करते हैं तो उसकी संपूर्ण जिंदगी को कवर करना बड़ा मुश्किल होता है, और इसके लिए आप कह सकते हैं कि पूरा निचोड़ आपके सामने रख दिया जाता है, उनके जो खास खास पॉइंट होते हैं जिन कारण वो चर्चा में रहते हैं, समझ रहे हैं। तो खैर आप लोग एंजॉय करते रहिए, और किसी के बारे में भी बात करनी हो तो बताइएगा, करते रहेंगे हम लोग, तो मिलते ही रहेंगे, कहाँ जाने वाले हैं।